दिग्विजय सिंह के साथ नहीं देने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिग्विजय एक तरफ पड़ गए हैं, कोई उनके पक्ष में नहीं आया, सब उनके खिलाफ हैं। उन्होंने दंगा भड़काने वाला ट्वीट किया। वह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको थोड़ा तो समझना चाहिए। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की पोल खोल दी है। इसलिए कमलनाथ के पूजा पाठ वाले बयानों का सच क्या है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी अब एक तरफ अलग थलग पड़ गए हैं और इसलिए अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, कोई एक भी उनके पक्ष में नहीं आया, उनके खिलाफ ही आए। और सच में उन्होंने बहुत खराब ट्वीट किया था। ये मध्य प्रदेश के हित का ट्वीट नहीं है। आप जिस तरह से प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने के लिए आपने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश की शांति भंग के लिए, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा तो अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए। 24 घंटे भी ऐसा पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए कि आप प्रदेश को आग में झोंक दो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। अब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व था ना, धोखे वाला, उसका भी बेनकाब कर दिया पूरी कांग्रेस को। इसलिए अब जो चाहे हनुमान चालीसा पढ़े चाहे कुछ और पढ़े, पर ये समझ में आ गया है कि ये कौन सी खाल उड़े रहते हैं।